25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में दबोचा। घटना थाना दिल्ली गेट के मथुरा बाईपास रोड की है। 25,000 के इनामी बदमाश पिंकी पुत्र चंद्रपाल खैर का रहने वाला है। घटना मथुरा बाईपास रोड पर तालसपुर पुलिया के निकट हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिंकी को मथुरा बाईपास पर घेर लिया। अपने आप को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी खैर का रहने वाला था और पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। मुठभेड़ में अलीगढ़ पुलिस ने अपना बचाव करते हुए एक बदमाश को गोली मार दी, तो वहीं दूसरा भागने में कामयाब रहा। घायल अवस्था में बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। देखिए, एक अपराधी है जो खैर में, जो बस में एक बहुत डेयरिंग लूट हुई थी, उसमें वांटेड है। लोधा में, खैर लोधा वाली रोड पर, थाना क्षेत्र लोधा पड़ता था। और ये भी जानकारी हो रही है कि जनपद में कहीं इसने हत्या भी की है। इसकी डिटेल की जानकारी हम कर रहे हैं। हमारी एसपी सिटी की टीम इसको परसू कर रही थी और आज यहीं पर जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने फायर किया। दो बदमाश थे मोटरसाइकिल पर। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाब में गोली चलाई। एक बदमाश को गोली लगी है, उसे तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। दूसरे बदमाश की तलाश, यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। पूरे शहर की फोर्स यहाँ पर, हमारे सभी एसओज, सभी सीओज और हमारी पूरी टीम, शहर की जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम में मौजूद है, कॉम्बिंग कर रहे हैं। बाकी इसके क्राइम की और जो डिटेल्स हैं उसका संकलन कर रहे हैं। अच्छा बदमाश है, बाकी इसके इलाज को परसू किया जा रहा है। अगर तबीयत में सुधार होता है तो बाकी चीज़ें हम लोग इससे पूछताछ के आधार पर बाकी चीज़ें बताएंगे। ये जिस घटना में वांछित था, डेयरिंग घटना थी, बस में भीतर चढ़ के इसने लूट की थी, उसमें 25,000 रुपये का रिवार्ड इसके ऊपर था। 25,000 रुपये का इनामी अपराधी था जिसको हम परसू कर रहे थे। क्या नाम है सर? पिंकी इसका नाम है। वैसे तो पिंकी पिंकी नाम से इसको लोग जानते हैं सर। पुलिस, सुभाष है नाम इसका, रहने वाला वो खैर कस्बे का ही है। सर, पुलिस के सराहनीय कार्य के लिए कुछ? पुलिस के सराहनीय कार्य के लिए 25,000 रुपये का इसका इनाम था। वो इनाम पुलिस के जिस टीम से इनकी मुठभेड़ हुई है उस टीम को जाएगा। सर, अपनी तरफ से भी कुछ देंगे? अपनी तरफ से इनको प्रशस्ति पत्र देंगे, वो और भी इनाम देंगे। इन्हें अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे और बड़ा इनाम देंगे। एसएसपी के अनुसार खैर लोधा रोड पर एक बस में लूट हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी पिंकी उर्फ सुभाष ही था। पिंकी पर हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इस बारे में पुलिस जांच कर रही है कि जनपद में किन किन थाना क्षेत्रों में पुलिस के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि पिंकी को पुलिस तलाश कर रही थी और आज मुखबिर व सर्विलांस के सहारे पिंकी का ठिकाना पता चल सका। घायल बदमाश पिंकी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे बदमाश की तलाश जारी है। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई। पुलिस घायल पिंकी का क्राइम डिटेल एकत्रित कर रही है। घायल बदमाश पिंकी से पूछताछ करके क्राइम की घटनाओं का पता किया जाएगा।